A transparent lift A is going upward with velocity 20 मीटर पर सेकेंड एंड रिटार्डिंग एट रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक लिफ्ट A है और ट्रांसपेरेंट है, ग्लास की लिफ्ट है, ऊपर की तरफ जा रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी है 20 मीटर पर सेकेंड और उसका जो रिटार्डेशन है वो दिया है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो कुछ इस तरह से बना लेते हैं। मान लिया ये है लिफ्ट A, ये ऊपर की तरफ जा रही है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है आपको 20 मीटर पर सेकेंड और उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा क्योंकि रिटार्डेशन दिया है और वो दिया है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उसी के सामने एक लिफ्ट बी है, सेकेंड ट्रांसपेरेंट लिफ्ट बी इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ इट एंड इज गोइंग डाउन एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड विद रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी के सामने एक और लिफ्ट है बी, ये मूव कर रही है नीचे की तरफ, इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड और रिटार्डेशन दिया है 2। इसका मतलब रिटार्डेशन इसका कहाँ होगा, फिर एक्सेलरेशन कहाँ होगा इसका, ऊपर की तरफ, क्योंकि रिटार्डेशन दिया है कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एट द सेम इंस्टेंट, अब ये दोनों एकदम आमने सामने थी, एट द उसी इंस्टेंट पे एक बोल्ट फ्रॉम द सीलिंग ऑफ लिफ्ट ए ड्रॉप्स इनसाइड लिफ्ट ए। लिफ्ट ए के टॉप से एक बोल्ट रिलीज हो जाता है, गिर जाता है और ए की जो हाइट है वो आपको दिए 16 मीटर, ए की जो हाइट है, ये जो हाइट है ये दिए आपको 16 मीटर। तो ये यहाँ से एक बोल्ट रिलीज हो जाता है और गिरता है वो नीचे की तरफ। और ये पूछ रहे हैं फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोल्ट टू हिट द फ्लोर ऑफ ए की फ्लोर हिट करने में कितना टाइम लगेगा। तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। सिंस इसका एक्सेलरेशन 8 नीचे की तरफ है तो इसके अंदर जो इफेक्टिव ग्रेविटी होगी वो g-a हो जाएगी। ठीक है, एसलेट कर रही है नीचे की तरफ तो सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट सूडो फोर्स लग रहा है तो डिफेक्टिव ग्रेविटी होगी g-a। g की वैल्यू अगर हम 10 लें और a आपका 8 है तो इफेक्टिव ग्रेविटी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो इसको टाइम लगेगा, टाइम वो होता है अंडर रूट 2h बाई जी, 2h, h कितना है आपका 16 और इफेक्टिव ग्रेविटी कितनी है 2, तो 4 सेकेंड का टाइम लगेगा। 4 सेकंड में वो ए के फ्लोर को हिट कर देगी, सी पार्ट। अब आगे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। इसमें कह रहे हैं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बोल्ट रिलेटिव टू लिफ्ट बी व्हेन इट हिट्स द फ्लोर ऑफ ए। बी के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, बी के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में नहीं पूछा गया है, बी के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी क्या होगी ये आपसे पूछा गया। तो हम क्या करते हैं, हम ए के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं और फिर ए की वेलोसिटी निकालते हैं बी के रिस्पेक्ट में और फिर रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगा के हम सेटल कर लेते हैं उसको। जो ए के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट 2gh, जी की जगह जी इफेक्टिव इंटू एच। तो ये आपका आने वाला है जी कितना है आपका इफेक्टिव 2 और एच कितना है 16, तो ये आने वाला 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये आई है 8 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। तो पूरा अगर हम वेक्टर्स बनाएं तो मान लिया ये डाउनवर्ड डायरेक्शन हम मान लेते हैं प्लस वाई एक्सिस यानी प्लस जे कैप। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका जे कैप। ठीक है, अच्छा ये 4 सेकंड बाद उसने हिट किया है तो 4 सेकंड बाद ए की वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होगी, तो ए की वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी 20 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 4 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मानी है, अपवर्ड डायरेक्शन कैसी होगी आपकी निगेटिव, तो ये हो जाएगी -20 v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा रहे हैं प्लस ए टी जे कैप। तो ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जो आ रही है ये 32 हो जाएगा, ये 20 है तो ये आ जाएगी 12 जे कैप, 12 मीटर पर सेकेंड जे कैप, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं तो ए बन जाएगा इंटरमीडिएट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आपको मिल जाएगी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और वो आपकी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड जे कैप, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। लेकिन हमें अर्थ के रिस्पेक्ट में नहीं निकालनी है, हमें निकालनी है फ्रेम बी के रिस्पेक्ट में। तो फ्रेम बी की वेलोसिटी निकालते हैं हम अर्थ के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव मानी है, एसलेशन अपवर्ड डायरेक्शन, तो एसलेशन नेगेटिव हो जाएगा। 4 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो हम फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगी +10 - 2 × 4, तो ये आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। प्लस आंसर आ रहा है, इसका मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगी। ठीक, अब आपको निकालनी है वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम बी, लिफ्ट बी। तो ये आएगी आपकी, ये क्वेश्चन बनेगी रिलेटिव वेलोसिटी की, वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्रेम बी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो जब इसमें से इसको हम माइनस करेंगे 20 - 2, तो ये आ जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड जे कैप, पॉजिटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी उसकी वेलोसिटी, 18 मीटर पर सेकेंड। सो द आंसर विल बी ए पार्ट। ये पूछा गया विद व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बोल्ट रिलेटिव टू लिफ्ट बी, बी के रिस्पेक्ट में बोल्ट की वेलोसिटी क्या होगी जब वो फ्लोर को हिट करेगा। तो हमने सब कुछ फाइंड कर लिया, ठीक है। ए के रिस्पेक्ट में क्या होगी हमने वो भी फाइंड कर लिया, तो ए के रिस्पेक्ट में होगी 8 मीटर पर सेकेंड। अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या होगी बोल्ट की वेलोसिटी जब वो फ्लोर को हिट करेगा, तो वो होगी 20 मीटर पर सेकेंड। और बी के रिस्पेक्ट में क्या होगी जब वो फ्लोर को हिट करेगा, तो वो होगी 18 मीटर पर सेकेंड। तीनों के रिस्पेक्ट में हमने फाइंड कर लिया। अब अगले पार्ट में कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट रिलेटिव टू बी व्हेन इट हिट्स द फ्लोर ए। बी के रिस्पेक्ट में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब वो उस फ्लोर को हिट करेगा, ठीक। तो अब डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशंस देखते हैं। जैसी इक्वेशंस हमने वेलोसिटी के टर्म्स में निकाली हैं, वैसी इक्वेशन हम किस में निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक। देखिए ए के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो अब इक्वेशन लिखना शुरू कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए के रिस्पेक्ट में तो वो 16 मीटर ही गिरा होगा, क्योंकि ए में जो ए की जो हाइट है वो 16 मीटर ही दी हुई है आपको। ए की ये जो हाइट है ए की ये 16 मीटर ही दी हुई है, तो ए के रिस्पेक्ट में तो नीचे की तरफ गिरा होगा 16 मीटर, तो 16 जे कैप। अब ए का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल वैसी इक्वेशंस बनाएंगे जैसे वेलोसिटी की बनाएंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, ut + ½ at square, ठीक है। तो वेलोसिटी थी ऊपर की तरफ, तो -20, टाइम कितना था 4 सेकेंड, प्लस ½ ए एसलेशन नीचे की तरफ था तो पॉजिटिव जाएगा, t² 4² 16। तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जे कैप। देखें कितना आने वाला ये, तो ये आपका हो जाएगा 8, ये हो गया -80 प्लस 64 जे कैप। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वो आएगा -16 जे कैप, तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ए बन जाएगा इंटरमीडिएट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब हमको मिला डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अर्थ के रिस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा जब दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, तो वो आ रहा है 0 जे कैप, यानी बोल्ट ने अर्थ के रिस्पेक्ट में कुछ भी ट्रेवल नहीं किया। इसका मतलब जितना बोल्ट नीचे गिरा होगा उतनी लिफ्ट ऊपर उठ गई होगी 4 सेकेंड्स में। अब हम निकालते हैं बी का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट बी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो बी की वेलोसिटी नीचे की तरफ थी इनिशियल, तो ये पॉजिटिव मानी जाएगी। एसलेशन ऊपर की तरफ है तो वो नेगेटिव माना जाएगा, ठीक है। तो ut 10 × t प्लस ½ at² एसलेशन नेगेटिव माना जाएगा 4 का स्क्वायर 16 जे कैप। तो ये आपका बन गया 40 और ये आ गया -16, तो ये हो गया आपका 40 - 16 24 जे कैप। ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट बी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब आपको निकालना डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट बी, तो ये बनेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट बी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो ये आपका आ जाएगा माइनस 24 जे कैप। 24 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो क्या आंसर बनेगा? आंसर बनेगा बी पार्ट। और माइनस 24 आया तो माइनस डायरेक्शन तो हमारी ऊपर वाली थी, तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको ढंग से देख लेना। इसमें 3 पार्ट दिए थे आपको, ठीक है, और रिलेटिव मोशन का ये अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको ढंग से देख लेना आपको एक बार। एट ए मेट्रो स्टेशन ए गर्ल्स वॉक अप ए स्टेशनरी एक्सेलेटर इन टाइम t1। तो ऐसे हमने क्वेश्चन कई सारे किए हैं। अगर एक्सेलेटर आपका अगर स्टेशनरी है तो टाइम t1 लग रहा है, और अगर वो स्टेशनरी रहती है शी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन ए मूविंग एक्सेलेटर तो टाइम t2 लग रहा है। तो आपसे टाइम पूछ रहे हैं व्हेन ही वॉक अप ऑन द मूविंग एक्सेलेटर। मूविंग एक्सेलेटर पे अगर वो खुद भी चल के जाए तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन है। मान लिया एक्सेलेटर की लेंथ जो थी हमने मान ली l है, और एक्सेलेटर की अपनी स्पीड हमने मान लेते हैं u है, और जो गर्ल है वो जब वो मूव करेगी तो उसकी अपनी जो स्पीड है वो v है। तो पहले केस में ये जो t1 टाइम है ये कौन सा टाइम है? गर्ल्स वॉक अप ए स्टेशनरी एक्सेलेटर। इस एक्सेलेटर आपका जो है वो रुका हुआ है और ये जो गर्ल है वो मूव कर रही है, यानी ये है एल अपॉन वी। दूसरे केस में ये जो टाइम t2 क्या है, t2 है वो क्या है, तो इसमें गर्ल्स रिमेन स्टेशनरी और जो एक्सेलेटर है वो मूव कर रहा है, तो ये बनेगा एल अपॉन यू, ठीक। और आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द टाइम टेकन बाई हर टू वॉक अप द मूविंग एक्सेलेटर, यानी दोनों ही मूव करेंगे तो नेट स्पीड जो हो जाएगी वो वी प्लस यू हो जाएगी, यानी जो आपसे टाइम पूछ रहे हैं वो है आपका एल अपॉन वी प्लस यू। ये आपसे टाइम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ सारी वैल्यू डाल देते हैं। v की वैल्यू कितनी आएगी तो v आएगा l अपॉन t1, और u कितना आएगा तो u आएगा आपका l अपॉन t2। तो l l l कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका आंसर बनेगा t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। सो द आंसर विल बी सी पार्ट।